वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज बहुत दिनों के बाद रूम से निकले हैं। तो हालांकि जो ऑनलाइन जो जॉब कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं बताया था इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो उसमें सक्सेसफुली जॉब हो चुका है। तो उसी काम के कारण से अब बाहर ब्लॉगिंग नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। तो आप देखते होंगे कि कभी रेगुलर ब्लॉग नहीं आता है। तो मेन रीज़न वही है कि टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी हालांकि टाइम निकाल के आए ब्लॉग करने के लिए। तो बस मोटो ब्लॉग बनाने के लिए मैंने ये कैमरा लिया है, और अगर ब्लॉग नहीं बनाते हैं तो ये कैमरा मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अभी चल रहे हैं भाई टिमला लैग वीडियो बनाने के लिए। वहाँ का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, और बनाया था लेकिन उसमें उतना कुछ खास दिखाई नहीं थे, तो जिस कारण शायद तीसरे टिमला लैग का ब्लॉग बना रहा हूँ। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू है। और अभी हम लोग बिष्टुपुर में, तो यहाँ से अब लग जाएगा टाइम करीब 30 मिनट। तो उधर का रास्ता जो है तो घने वाला है, तो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा वो देखने में। तो आज थोड़ा खाली खाली लग रहा है बिष्टुपुर चौक, नहीं तो आज भी पूरा एकदम भीड़ रहता है। आज फर्स्ट टाइम खाली मिला है मेरे को, तो नहीं तो हमेशा यहाँ पे जाम लगा रहता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में। तो गाइस ये हम मानगो पुल देख सकते हैं। तो इधर भी स्वर्ण रेखा नदी फिर कैंडल डैम से आता है। और मौसम तो काफी सही लग रहा है यहाँ का, मस्त ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा है अपना। तो थैंक्स फॉर विजिट। ओ भाई यहाँ तो खतरनाक जाम लगा हुआ है, फिर अभी लेट हो जाएगा। ऐसे तो लेट हो रहा है, हम सोच रहे अंधेरा ना हो, बट यहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। यहाँ पर इस जाम से छुटकारा मिलेगा तब तो आगे बढ़ पाए। देखा जाए कितना लेट से निकलते हैं जाम से। चल 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 भाई, जाम खोल जाम खोल जा जाम। तो यहाँ पर रुका हुआ है, कुछ वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। जब तक जाम खुलता नहीं है तो यहाँ से हुआ 20 मिनट रास्ता है। हल्का सा लाइट रहेगा तो वीडियो में अच्छा लगेगा देखने में। और ये भाई हमारे बहुत दूर से आ रहे हैं हमारे साथ, जुबली पार्क होते वाले आप लोग देख रहे होंगे। तो गाइस ये है डिमना चौक, तो इससे हमें जाना पड़ेगा स्ट्रेट। तो इधर से राइट जाइएगा तो आप गालोटी मिल जाएगा, वाटर पार्क काफ़ी फेमस जगह है। और लेफ्ट में है हमारे चांडिल डैम, या फिर रांची जा सकते हैं इसमें आपका जहाँ मन। तो चलते हैं हम लोग स्ट्रेट, और वहाँ से आप लोग दिखाते हैं डिमना लेक का कुछ व्यू। तो गाइस ये वाला रास्ता देख लो, खतरनाक वाला है, एकदम पतरा तो घाटी वाला फील आता है। यहाँ पे झिकझिक वाला पूरा है, पहाड़ों का काट के बनाया गया रास्ता। यहाँ बाइक राइडिंग करने में काफी मस्त लगेगा, बट ये खतरा है कि आगे से जो गाड़ी आता है वो दिखता नहीं है। जैसे अभी देखोगे ये ऑटो आया बट दिखा नहीं, और देखिए पीछे इस टाइप का आता है, अचानक से गाड़ी आ जाता है। तो यहाँ पे काफी संभल के चलना पड़ता है, अगर ऐसे में गाड़ी खराब ही रहेगा फिर भी आप लोग को नहीं दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा संभाल के, बहुत ही पतला रास्ता यहाँ पे, बट रास्ता काफी सुंदर है पहाड़ों के बीच में एकदम। सारे काम को जहाँ तक लग रहा है डिमना लेक से घूमते हुए आ रहे हैं। घाटी वाला रास्ता खत्म हो गया, अब आता प्लेन रास्ता। तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर होगा डिमना लेक। ब्रेक लो भाई, ब्रेक बहुत ज्यादा कम है, अभी अचानक से आदमी निकल गया था। ओ भाई यहाँ हटिया लगा हुआ है, खतरनाक।
तो यहाँ से लेते हैं राइट, इधर ही मस्त व्यू आता है, इधर ऐसे कुछ खास जगह है नहीं, तो अब लेते हैं राइट। और ये वाला लोकेशन देख लो गाइस, ये काफी मस्त दिखता है, और यहाँ फोटोशूट जो होता है वो बहुत ही मस्त आता है। मैं एक बार आया था दोस्तों के साथ, उन लोगों का फोटो काफी मस्त आया था, बट उस टाइम फोटो नहीं खिंचाए थे, तो सोचे हैं कभी आएंगे फोटो के लिए यहीं पर। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं डिमना लेक, जमशेदपुर का फेमस जगह ये वाला। अब चढ़ते हैं ऊपर और ऊपर से व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। देख लो हल्का हल्का भीड़ है, इधर ही गाड़ी पार्किंग करते हैं कहीं पर। तो कहाँ लगाते हैं गाड़ी, इधर ही कहीं लगाते हैं, जगह कहीं लगा। देख लो भाई पानी नहीं है। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं डिमना लेक पे, तो अब चलते हैं ऊपर सीढ़ी से होते हुए, तो हल्का से ज्यादा ऊपर है। इससे पहले ब्लॉग बनाए थे बट उसमें उतना व्यू नहीं आया था, तो अब फिर से बनाने आ गए हैं, तो आप लोग दिखाते हैं शुरू से एंड तक डिमना लेक। देख लो भाई यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पे चलते हैं ऊपर। तो गाइस यहाँ से सकते नीचे वो पार्किंग जगह है, तो फाइनली गाइस ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं पानी कितना कम गया है। इससे पहले आए थे यहाँ बहुत पता पानी था, अब तो पूरा ही कम गया। और ये वाला लोकेशन देखिए काफी मस्त लगा देखने को। तो गाइस उधर है बोटिंग कॉम्प्लेक्स, और वो देख सकते हैं गेस्ट रूम है डिमना लेक वाला। तो देख सकते हैं गाइस पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, बना हुआ है पहाड़ के बीच में बना हुआ है, लेकिन एकदम मस्त गाइस। आप आगे हम लोग सामने देख सकते कितना मीटर तक पानी आता है, लिखा हुआ है। तो ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, जितना कुछ है यही है, देख लो। तो फाइनली गाइस सब निकल रहे डिमना लेक से, तो हालांकि जितना कुछ था मैंने दिखा दिया, डिमना लेक जो भी था जितना भी था तो सब आप लोग देख लोगे। आइए तो आप अलग साइड और साइड बचा हुआ है, उधर भी चलते हैं, उधर आप लोग दिखा दें। और इधर हम लोग गाड़ी पार्क किए थे पार्किंग में, बढ़िया पैसा नहीं लेता है पार्किंग का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस यहाँ देख लो व्यू मस्त है यहाँ का व्यू, और कभी आके यहाँ बैठेंगे दोस्तों के साथ मस्त चिल करने में मजा आ जाएगा। छोटे छोटे तुम गिरेगा। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं खाने का भी है, आप अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ हमड़ी चिप्स लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को नीचे में ही। और यहाँ से देख लो भाई व्यू ऊपर का, हालांकि अब शाम होने पर, तो चलते हैं अब मस्त लग रहा है यहाँ से। तो चला जाए गाइस रूम के लिए, तो यहाँ से देख लो भाई ऊपर का व्यू ओवर लास्ट टाइम। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही था,
किधर का? तो गाइस कितना भी एक चीज, तो गाइस आप लोग से एक चीज बोलना चाहते हैं, आप लोगों का एक बहुत ही खराब चीज है, मतलब जो भी सोच सकते हैं आप लोग, खराब